दोस्तों आज भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खेला जा रहा है। दोस्तों जहां इंग्लैंड की टीम ने इस टेस्ट मैच में टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, तो वहीं दोस्तों जब आज भारतीय टीम बैटिंग करने उतरी तो भारतीय टीम की शुरुआत तो इस मैच में काफी शानदार रही थी, लेकिन दोस्तों 28 रन के स्कोर पर पहुंचते भारतीय टीम को दो बड़े झटके एक के बाद एक लग गए। दोस्तों भारतीय टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज 28 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे, जहां दोस्तों पहले रोहित शर्मा को क्रिक वोक्स ने आउट किया था, तो वहीं दोस्तों केएल राहुल को ओली रॉबिसन ने एलबीडब्ल्यू आउट किया था, जहां दोस्तों रोहित शर्मा 11 रन बनाकर आउट हुए थे, तो वहीं दोस्तों केएल राहुल 17 रनों की पारी खेलकर आउट हुए थे। वहीं दोस्तों इसके बाद विराट कोहली और पुजारा ने भारतीय टीम की पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों इस जोड़ी ने जब तक 11 रनों की पार्टनरशिप करी थी तभी 39 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका जेम्स एंडरसन ने चितेश्वर पुजारा को आउट करके दे दिया और पुजारा 4 रन बनाकर आउट हुए हैं। वहीं दोस्तों भारतीय टीम के 3 विकेट मात्र 39 रन के स्कोर पर गिर चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा उतरे हैं, हालांकि उतरना तो अचिंक्य रहाणे को चाहिए था, लेकिन उनकी जगह रविंद्र जडेजा उतरे हैं। वहीं दोस्तों इस मैच में विराट कोहली ने इतिहास रचा है। दोस्तों उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में 23,000 रन पूरे कर लिए हैं, जो कि विराट कोहली के लिए काफी बड़ी बात है। वहीं दोस्तों अभी भारतीय टीम की हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम के 3 विकेट ही 39 रन के स्कोर पर गिर चुके हैं। वहीं अब दोस्तों विराट कोहली और रविंद्र जडेजा को संभाल कर बैटिंग करनी पड़ेगी, ताकि भारतीय टीम एक अच्छे टोटल तक पहुंच सके। ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम को ये टेस्ट मैच जीतना काफी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।